हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LPU। ये पंजाब में स्थित है यूनिवर्सिटी और इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में मेनली हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। LPU में देखेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है। तो oneform.org इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑब्लिक स्कूल पे क्लिक करने के बाद टॉप कॉलेज काउंसलिंग पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो कर जाएगा टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ की आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी और में करवाना है तो यहाँ सर्च मारने पे आपको मिल जाएगा वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उस पर जाके अपना करवा सकते हैं। BTech, MTech, BBA, BCA, MBA, B Pharma, BTech, जिसमें आप करवाना चाहते हैं यहाँ पे आपको हो जाएगा। दोस्तों, ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मांगा जाएगा जो भी डिटेल, ये डिटेल से मांगा जाएगा। वन बाय वन करके आप फिल करने के बाद सबमिट कर दे तो आपको यहाँ से काउंसलिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको LPU यूनिवर्सिटी में करवाना है तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप आ जाइए। यहाँ पे शो कर रहा है LPU यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन हो गया और ये सारा वन बाय वन करके फिल कर दीजिए, आपका काउंसलिंग यहाँ शो हो जाएगा। दोस्तों, LPU यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कोर्स ऑफर करती है। इंजीनियरिंग करती है, इंजीनियरिंग में BTech इंजीनियरिंग, MTech डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, BTech लेटरल एंट्री और डिप्लोमा लेटरल एंट्री है। तो BTech में देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से कोर्स या ब्रांच जो है यहाँ अवेलेबल है। दोस्तों, ये जो ऑफर करती है ब्रांच, यहाँ आप देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रोबोट एंड ऑटोमोशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन एग्जाम जो दिए हुआ है, आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। और LPU नेस्ट या CUET के बेस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, साथ में यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का जो स्कॉलरशिप है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाया कीजिए। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि मेरिट इन LPU नेस्ट के बेस पे होता है। यहाँ का प्लेसमेंट का बात किया जाए तो एवरेज जो यहाँ का सैलरी पैकेज गया है 64 लाख गया है, और सॉरी हाईएस्ट जो गया है 64 लाख गया है, एवरेज जो है वो 15 लाख मान सकते हैं यहाँ। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरह से सारे इंजीनियरिंग BTech में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दोस्तों, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का बात किया जाए दोस्तों, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 10th पास होना चाहिए, साथ में LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देके उसके मेरिट के बेस पे आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। मेडिकल साइंस में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ B Pharma है, M Pharma आयुर्वेदा है, M Pharma, B Pharma लेटरल एंट्री है। दोस्तों, अब देखते हैं कि B Pharma में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए दोस्तों, तो B Pharma का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश होना चाहिए। आप LPU नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बेस के आधार पर हो जाएगा, या CUET के मेरिट के आधार पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, इसका प्लेसमेंट का बात किया जाए दोस्तों, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है 8.4 लैक्स गया है, और एवरेज का बात किया जाए तो 7.33 लैक्स। अब हम दोस्तों बात करते हैं एम फार्मा आयुर्वेदा का बात किया जाए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोस्तों, वो 60% होना चाहिए B Pharma। यदि B Pharma आपको एलोपैथ, आयुर्वेद या यूनानी से है तो चलेगा,
ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, PCS अप्रूवल होना चाहिए, या साथ में आप LPU NEST के मेरिट के बेस पे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फी का बात किया जाए दोस्तों, तो फ़ी जो है वो आपको 80,000 पर सेमेस्टर लगेगा। यदि आप स्कॉलरशिप यहाँ लाते हैं तो उसके बेस पे आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। यदि 90% से ऊपर रहेगा, यदि 80 से 89 के बीच में रहेगा तो 45% डिस्काउंट होगा। एम फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बात किया जाए तो ये भी एम फार्मा जो होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 ईयर का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो 60% मार्क्स होना चाहिए बी फार्मा में, और रजिस्ट्रेशन साथ में आपका होना चाहिए स्टेट काउंसिल से, LPU NEST या CU CET या GPET के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस, सभी का इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, साथ में LPU NEST या CU ET या GPET के बेस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको बात किया जाए MSc क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ आप देख सकते हैं MSc क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का, देखिए ये भी 2 ईयर का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन क्लिनिकल केमिस्ट्री या MLT या MBBS या BMS, BDS, नर्सिंग, BHMS या बायोसाइंस में आप BTEC, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स में किए हुए हैं ग्रेजुएशन, या फिर आप फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल साइंस या लाइफ साइंस में जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इस समय यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, और साथ में आपको LPU NEST या CUET के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, आपको MPT न्यूरोलॉजी जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए दोस्तों तो ये भी 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आप LPU NEST या CUET के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं।